आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ऐसे पेड़ पर है दोस्तों जो कई विशेषताओं से भरपूर पौधा है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये बात करेंगे कि जितना हमारे गमले में या तो टेरेस गार्डन पर या तो घर पर हम छोटे छोटे जो पौधे ग्रो करते हैं दोस्तों, उसका उससे भी ज़्यादा बड़े पेड़ का महत्व है, क्योंकि वही पूरे संसार में दोस्तों ऑक्सीजन है वो पूरे लोगों तक पहुंचाता है और इससे ही हम दोस्तों जिंदा रहते हैं। तो जितना छोटे गमले में दोस्तों हम पेड़ लगाते हैं उतना ही ध्यान हमें बड़े पौधे पर भी देना चाहिए, बड़े पेड़ पर भी देना चाहिए। इस तरह के कुछ ग्राउंड पर दोस्तों जगह हो तो इस तरह के पेड़ पौधे है वो ज़रूर लगाइए। दोस्तों ये पौधा है वो करंज का पौधा है। इसके अलावा भी दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, कई जगहों पर इसे पापड़ी भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पोगामिया पिनाटा करके है। इस प्लांट की दोस्तों एक विशेषता तो ये भी है कि इसे कोई पशु यानी कि गाय है, बकरी है, इस तरह के पौधे को खाती नहीं है दोस्तों, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो कोई पशु है दोस्तों उसे दिक्कत तो खड़ी नहीं करता है, छोटा प्लांट ग्रो होता हुआ हो तो भी। और एक प्रकार का दोस्तों ये वीड प्लांट है और दोस्तों इसमें आयुर्वेद में काफ़ी इसका महत्व दिया गया है, ये विशेष स्थान आयुर्वेद में दोस्तों इस पौधे का भी है। जैसे दोस्तों बबूल के पौधे की ब्रांच से हम दंत मंजन में यूज़ करते हैं, उस तरह का भी दोस्तों इसका भी यूज़ किया जा सकता है। ये दोस्तों बहुत ही अक्सर दवाओं के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये पेड़ दोस्तों खास करके खुले मैदानों में, सड़क के किनारे, जंगली झाड़ूनुमा प्रदेशों में या तो नदी नालों के अगल बगल में भी देखा जाता है। करंज की दोस्तों एक से ज़्यादा प्रजाति भी होती है। इसके आप जो पत्ते देख रहे हो दोस्तों वो मध्यम आकार के होते हैं, इस पे फूल भी लगते हैं जो आप देख रहे हो दोस्तों। इस तरह के इसमें सबसे पहले कलियां लगती है और उसके बाद वो फ्लावर में तब्दील हो जाती है। इसके दोस्तों फूल होते हैं वो थोड़े सुगंधित होते हैं और वाइट कलर के बाद में दोस्तों बैंगनी रंग के भी कुछ होते हैं और उसमें दोस्तों फलियां भी लगती है फ्लावर जाने के बाद। तो शुरुआत में दोस्तों ये हरे रंग की होती है, फलियां होती है वो, और बाद में धीरे धीरे दोस्तों सूखने तक आते आते वो डार्क ब्राउन भूरे रंग की हो जाती है। इसके अंदर ही दोस्तों इसके सीड यानी कि बीज होते हैं जो थोड़े टेस्ट में दोस्तों कड़वे होते हैं और दोस्तों उससे ही नया पौधा है वो तैयार होता है। और उस सीड से आप फ्लावर देख रहे हो दोस्तों, उसके बाद इसमें फलियां बनेगी। खास करके दोस्तों ये दांत के दर्द में पौधा है वो उपयोगी माना जाता है। इसके दोस्तों छोटी ब्रांच का कटिंग लेके दांतों में टूथब्रश की तरह हम दांतों की सफाई भी कर सकते हैं। इसके दोस्तों बीज होते हैं उसमें से ऑयल यानी कि तेल भी निकाला जाता है जो खास करके जोड़ों के दर्द में यूज होता है, चर्म रोगों में। इसके अलावा घाव आदि चेहरे में मूल जो खील मुहासे होते हैं दोस्तों उसमें भी उसका जो ऑयल है उसका यूज़ होता है। खास करके गंजापन जिसके पास हो दोस्तों वो लोग भी इसका तेल का यूज़ करते हैं। पर ये सब दोस्तों जो प्रयोग है वो उसके बारे में मैं डिटेल नहीं जानता हूँ। आप कोई भी चिकित्सक की सलाह के बिना इस तरह के जो प्रयोग है वो करना ही नहीं चाहिए, तो उसका खास ख्याल रखें। हमारा काम दोस्तों पेड़ पौधों की जान पहचान करवाना है। वैसे दोस्तों ये लंबे समय की मेहनत के बाद बोनजाई भी इसका बनाया जा सकता है, पर ये प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी है दोस्तों। ये पौधा दोस्तों वैसे पूरे साल है वो हरा भरा रहता है। सर्दियों के कुछ मौसम में दोस्तों इसमें बहुत ठंड के टाइम ये थोड़ा इसके पत्ते वगैरह है वो गिरने लगते हैं और दोस्तों ये एक से दो महीने में भी फिर से इसके पत्ते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, तो ये इसकी खासियत है। और दोस्तों इसके पौधे की बड़ा हो जाए तो छाव बहुत ही अच्छी होती है, खासी गहरी दोस्तों इसमें छाव आती है और
फ्लावर में ही दोस्तों फिर शेड जो बनते हैं वो शेड में तब्दील हो जाते हैं और कभी कभी नीचे गिर के अपने आप भी पौधे हो तैयार हो जाता है। वैसे दोस्तों ये इजी टू ग्रो और इजी टू केयर प्लांट है। वैसे इस पौधे में दोस्तों फूलों के पत्तों के अंदर ही इसके फूल है छुपे होते हैं, दिखाई बहुत ही डिटेल में जाओ तभी दिखाई देंगे। इसमें दोस्तों मीडियम वाटरिंग के साथ ये प्लांट चलता है। इसकी हाइट है वो दोस्तों 50-60 तक भी जाती है। बिना फर्टिलाइजर के चलने वाला पौधा है, इसे धूप अच्छी खासी चाहिए और बहुत ही कम केस में दोस्तों इसमें कोई डिजीज लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।